गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फाइंड द फॉलोइंग पर। ये क्लास सेवेंथ का सेवेंथ लेक्चर है। हमने कल भी जो क्वेश्चंस किए थे उसी के बेसिस पे आगे की कंटिन्यूशन में ये क्वेश्चंस हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, हम क्वेश्चंस लगाएंगे। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस तरीके से दिया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1/10 ऑफ 13/46। सो 13/46 का 1/10 आपको निकालना है। सो 1/10 का मतलब होता है 1/10। जो नीचे जो नंबर आएगा डिनोमिनेटर वो th के फॉर्म में दिया होगा, जैसे 20th, 30th, तो इस तरीके के फॉर्म में आपको दिया होगा। तो ये नंबर हो गया आपका, जो ये हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमिनेटर। सो इसका हम अगर सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि 1/10 ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऑफ 13/46। ये बन गया इसका फॉर्म। अब ये यहां से करना बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब जो है इसको हमको चेक करना है कि हम इसको और ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। आप देखिए कि हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 से 10 और 46 नहीं होगा और 13 से 10 और 46 डिवाइड नहीं होंगे। हमको इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × 13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13/46 × 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 460। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 13/460 हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारा 3/4 of 7/9। सो 3/4, सो ये जो फोर्थ है जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि टीएच लगा है, ये जो टीएच जिसके नीचे लगा होता है ये होता है डिनोमिनेटर। सो फोर्थ मीन्स फोर, जो मतलब डिनोमिनेटर हो गया फोर, और थ्री जो नॉर्मल लिखा हुआ है थ्री, सो दिस इज न्यूमरेटर। सो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 7/9। अब आप यहाँ हमको देखना होगा कि हम इसमें से किस किस को कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 4 कैंसिल नहीं होगा, लेकिन 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3 एंड 3 3 9। अब 7 से ना तो 4 होगा ना ही 3 होगा, सो हम इसको आगे अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर बचे वो है 1/4 × 7/3। अब हमको करना ये है कि अब हमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। 1 × 7 will be 7 and 4 × 3 will be 12। सो 7/12 जो हो जाएगा वो होगा आपका आंसर। सो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 9/10 of 50/49। सो 9/10, तो 10th फिर th मतलब ये हो गया डिनोमिनेटर और ये हो गया न्यूमरेटर। सो 9/10 × 50/49।
49। सो अब हमारा नंबर जो है वो है ये। अब आप देखिए कि हम इसमें से कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या। सो 9 की टेबल में 10 नहीं आता और 49 भी नहीं आता, लेकिन 10 की टेबल से हम 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम 50 को डिवाइड कर सकते हैं। सो 10 वन ज़ा 10, 10 फाइव ज़ा 50। सो अब जो है हम इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को और डिवाइड नहीं कर सकते। सो अब जो हमारे पास नंबर बचे हैं वो बचा है 9 अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 49। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो 9 5 ज़ा 45 अपॉन 49 इंटू 1 जो होगा वो हो जाएगा 49 इंटू 1 विल बी 49। सो 45 अपॉन 49 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो है फाइंड द एरिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमको किस तरीके से दिया होगा। हमको दो डायमेंशन दिए होंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमको दिया हुआ है लेंथ, लेंथ हमको दी हुई है 5 3 बाई 4 और ब्रेथ 2 तो हमारे पास ये दो नंबर हैं। अब एरिया निकालना का फॉर्मूला हमको पता होगा कि किसी भी एक टू डायमेंशनल सरफेस का एरिया अगर हमको निकालना है, फॉर एग्जांपल कि ये एक सरफेस है, तो इसका एरिया, एरिया मतलब कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है। तो उसका जो अगर हम कहें कि लेंथ अगर हमको दी हुई है 5 3 बाई 4 और हमको ब्रेथ दी हुई है 1 1 बाय 2, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। सो जो फॉर्मूला होता है ये हो गई हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ। सो जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमको इसी फॉर्मूले में अप्लाई इसको करना है। सो हम इसको अप्लाई करके दिखाते हैं कैसे कैसे अप्लाई होता है ये। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 3 बाई 4 इंटू 1 1 बाय 2। सो 4 इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 4 20 एंड 3 विल बी 23 अपॉन 4 इंटू 2 1 2 इज 2 इंटू 1 इज 2 एंड +1 इज 3, तो 3 अपॉन 2। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास जो नंबर आए हैं वो है 23 अपॉन 4 इंटू 1 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 2। सो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होने लायक कुछ भी नहीं है। सो 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 2 इज 6, तो 69 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए क्योंकि जब हम भी हम एरिया निकालते हैं तो दो डायमेंशन मल्टीप्लाई, और इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 69 अपॉन 8 विल बी द आंसर। सो ये हमारा था क्वेश्चन एरिया निकालने का।
अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एरिया निकालना है, सो उसमें आपको लेंथ और ब्रेथ दी रहेगी, उसमें आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो जो होमवर्क है वो आपको वीडियो के बाद एक फोटो के फॉर्म में मिल जाएगा। सो आप होमवर्क को करें, और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।